हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे मेरे, आपके पीछे लिखा हुआ है यूपी लेखपाल की सैलरी क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है यूपी लेखपाल का, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यूपी लेखपाल में बैठ रहे हैं और उनको बहुत सारों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो आज हम सब डिस्कस करने वाले यूपी लेखपाल की सैलरी क्या है, यूपी लेखपाल के प्रमोशन क्या गया है, कौन कौन सा पैसा आपका कटेगा और आगे आप कितनी सैलरी तक जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं यूपी लेखपाल की क्या सैलरी यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि यूपी लेखपाल की सैलरी, तो सबसे पहले देखी जाती है कि यार ग्रेड पे क्या है यूपी लेखपाल की। तो अगर मैं ग्रेड पे की बात करें यहाँ पर, तो ग्रेड पे आ जाएगी कितनी, 2000 ग्रेड पे है यूपी लेखपाल की। कितनी है बेटा ग्रेड पे, 2000 रुपए है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिनिमम सैलरी कितनी बनेगी, तो मिनिमम सैलरी बनती है 21,700 रुपए। कितनी बनेगी, 21,700 रुपए। और इसके साथ साथ में ये 28,000 या 30,000 के आसपास ये पहुंच जाती है। कैसे पहुंचेगी, क्या क्या इसके मानदंड रहेंगे, क्या क्या इसके इसके प्रमोशन के तरीके रहेंगे, कौन कौन से आप पोस्ट तक जा सकते हो, ये हम बात करने वाले हैं इस वाले हमारे वीडियो में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आगे देखते हैं इधर कि यार वेतन का स्तर क्या है। वेतन के स्तर की बात करें, अगर हम वेतन के लेवल की बात करें, तो वेतन का स्तर होगा यहाँ पर कौन सा, तीसरा वेतन स्तर है यहाँ पर। वेतन स्तर है हमारा कौन सा, 3 है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर पेमेंट की बात करूं, पेमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 5200 से 20,200। ग्रेड पे की बात करूं तो ग्रेड पे हो जाएगी हमारी कितनी, 2000। और बेसिक वेतन की बात करूं तो 21,700 आपका मिनिमम वेतन बनेगा, 21,700। और अधिकतम वेतन बन जाएगा कितना, 69,100 रुपए। कितना, 21,700 से आपका 69,100 रुपए तक। तो ये तो हो गई कितनी सैलरी की बात हो गई। सैलरी के अलावा देखेंगे आप कि कौन कौन से हमारे जो अमाउंट है वो हमने बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा देखेंगे कि कितना कितना आप पे स्केल पर कितना कितना क्या क्या पहुंच सकते हो। जैसे कि मैक्सिमम सैलरी मैंने बताई थी आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जैसे ग्रेड पे मैंने बता दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2000 हो गया। पे स्केल की बात बताई कितना हो गया, 21,700 से 69,100 रुपए हो गया। बेसिक सैलरी की बात करें तो 21,700 हो गई, मैक्सिमम सैलरी 69,100 रुपए हो गई। अब देखो अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। अलाउंसेस में देखेंगे आप कि यार बात करें डेयरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता कितना मिलेगा, तो महंगाई भत्ता मिलेगा जितना भी बेसिक पे होगा उसका 28%। कितना परसेंट, 28% मिलेगा, यानी कि 6,076 रुपए आपका आपका महंगाई भत्ता इसमें ऐड होके आएगा। इसके बाद मिलता है एचआरए, जिसको बोलते हैं मकान का किराया भत्ता, हाउसिंग रेंट अलाउंसेस मिलते हैं, वो मिलेगा आपको कितना, 1,000 से लेकर 5,208 रुपए तक, डिपेंड करेगा कि कौन से शहर में आप रह रहे हैं, राइट, एज पर द सिटी मिलेगा आपको। फिर मिलेगा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि परिवहन भत्ता मिलेगा, जो कि 1,500 से 3,000 रुपए तक है पर मंथ, और डिपेंड करेगा कि कौन से शहर में आप रह रहे हैं। और ऑनलाइन वर्क अलाउंसेस, वो मिलेगा आपको ऑनलाइन कार्य भत्ता, वो मिलेगा आपको कितने से, 12,000 से लेकर 15,000 तक, और साल में एक बार मिलेगा। ये कितनी बार मिलेगा, साल में एक बार। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पर मंथ, तो 1,000 रुपया हो गया, बोलो हाँ या ना, 1,000 रुपये ये हो गया। अगर इसको मैं 1,500 मान लो, चलो मिनिमम मान लेते हैं हम 1,500, 1,000 कितना हो गया, मान लीजिए 2,500 हो गया, 2,500 और कितना हो गया, 3,500 हो गया, 3,500 और 6 कितना हो गया, ये 9,500 हो गया। तो मोटा मोटा मिला के यार 31-32,000 रुपये सैलरी तुम्हारी बन जाएगी, 31-32,000 के आसपास। तो 32,000 सैलरी से अगर स्टार्ट कर रहे हो, अब आगे देखो कितनी सैलरी बढ़ सकती है। पॉइंट हमारा ये है सबसे इंपॉर्टेंट, यार आगे क्या क्या प्रमोशन के चांस हैं, क्या मैं लेखपाल ही रह जाऊंगा, इससे आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, तो ये सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं। अब देखो यार सिंपल बात बताएं, कौन कौन सी पोस्ट पर आप पहुंच सकते हैं। तो यार अगर अगर आप लेखपाल बनते हैं, अगर मान लीजिए आपकी उम्र कितनी है, मान लेते हैं 22 साल है, या मोटा मोटा लेके चलते हैं कि 25 साल है, 25 साल की उम्र में मान लीजिए आप लेखपाल बन गए और 32,000 रुपये सैलरी पर आप काम यहाँ पर करने लगे। मैं 25 साल ले रहा हूँ, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग आप इसमें मैनेज कर लीजिएगा कितनी उम्र पर आप कहाँ पहुंचोगे, क्योंकि ये वर्टिकल आपके प्रमोशन होते हैं, राइट। तो लेखपाल की बात करते हैं, 21,700 मिनिमम सैलरी से लेकर 29,100 तक आप ज्वाइन करोगे। फिर 8 से 12 साल लगेंगे आपको क्या बनने में, कानून गो बनने में। और अगर आपका काम अच्छा रहा और इसके साथ साथ में कुछ एग्जाम्स भी इंटरनल होते हैं, तो हो सकता है कम टाइम पर भी आप कानून गो बन जाए, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 35,400 से आपका कितना हो जाएगा, 1,12,400 तक। और इसमें आपके भत्ते भत्ते ऐड होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा था 21,000 पहुंचा था 32,000 पे, यहाँ पर भी 35,000 पहुंचेगा करीब 50,000 पे। और आगे चल के 7-8 साल के बाद इसमें भी इंक्रीमेंट होगा। अभी 7वां वेतन आयोग आया है, 8वां 9वां 10वां की आपदा कौन सा आ जाए, तो ये भी आप याद रखेगा, ठीक। 15 से 18 साल में पहुंच जाएंगे आप कहाँ पर, नायब तहसीलदार में। अगर 25 साल पे ज्वाइन करते हैं तो मान चलिए कि 33 साल के आसपास, 33-34 साल में आप कानून को बन जाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए इसमें अगर जोड़ेंगे 25 और 15 40 साल की उम्र में आप बन जाते हैं, मान लीजिए नायब तहसीलदार बन जाते हैं, ठीक। उससे पहले पीसीएस निकाल लिया, अच्छी बात है, नहीं निकालिया तो 40-42 साल में आप नायब तहसीलदार बन जाएंगे। और उसके बाद अगर बात करें 25-25-50 साल या 52 साल की उम्र में आप बन जाएंगे तहसीलदार, तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, उस टाइम पर टेंशन मत लीजिए। और उसके अलावा अगर आप मान लीजिए 25 साल में ज्वाइन करते हैं, तो 25-35 कितना हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा,
अगर 25 साल ज्वाइन करते हैं तो तब आपके पास चांसेस होते हैं एसडीएम की पोस्ट तक जाने के। लेकिन अगर 28 साल में बन रहे हैं, 29 साल में बन रहे हैं, तो ये सपने नहीं हो पाएंगे पूरे। इसके लिए आपको हो सकता है कि इंटरनल एग्जाम देने पड़े, या हो सकता है कि आपको काम अच्छा करना पड़े, वो देखा जाएगा किस पे आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है बात, चलिए। तो ये तो हो गया हमारा प्रमोशन की बात हो गई। अब प्रमोशन के अलावा देखेंगे यहाँ पे क्या निकल के आता है कि यार प्रमोशन एज अ लेखपाल आपका कानून को वो बनेगा आपके 8 से 12 साल में। ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दी है। नायब तहसीलदार 15 से 18 साल में, उसके बाद आपका देखेगा कि आप यदि तहसीलदार बनेंगे बीएससी 22 से 25 साल में, और एसडीएम भी बन सकते हैं कहां पर आपका 30 से 35 साल में। ठीक है बात, चलिए। तो आउटस्टैंडिंग सर्विस आपकी जब रहेगी, नीचे लिखा हुआ है कि दिस प्रमोशन इज डन ओनली ऑन द आउटस्टैंडिंग सर्विस, अगर आप काम करेंगे, तारीफ होगी आपकी, तभी आपको प्रमोशन ये मिल पाएंगे। सरकारी जॉब का तो आप लोग जानते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा देखेंगे आप कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी क्या हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर रेवेन्यू लेखपाल की, तो 21,700 से 69,600 यानी कि 32,000 थी ना ये, तो इसमें महंगाई भत्ता आचार्य डीआरए वो सब आप ऐड करके मानिएगा कि इसमें बढ़ा लीजिएगा, लगभग 50% बढ़ा लीजिएगा, 21,000 का 50% इसमें और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 30,000 हो गई। कानून को की बात करें, कानून को बनने पर क्या हो जाएगा, 35,400 में 70,000 और जोड़ लिए, लगभग ये 52,000 के आसपास से स्टार्टिंग होगी आपकी। अगर नायब तहसीलदार की बात करें तो ये आपका 47,600 देख रहा है, मतलब ये लगभग 25,000 और जोड़ देंगे तो 75,000-80,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर तहसीलदार की बात करें यहाँ पर तो 53,100 इसमें जोड़ देंगे, आप मान लीजिए थे तो 80,000 से 85,000 के आसपास यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको हम एसडीएम बोलते हैं, इनकी सैलरी जो शुरुआत होगी लगभग 1,00,000 के आसपास से इनकी शुरुआत होगी। तो ये सारी आपको मिल गए यहाँ पर जानकारी सैलरी रिलेटेड और आपके प्रमोशन रिलेटेड। अब देखते हैं कटौती कहाँ पर होगी, तो कटौती होगी कहाँ पर, एक तो पीएफ कटता है जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, एक एनपीएस कटेगा, एनपीएस पेंशन कटेगी, इनकम टैक्स कटेगा। और कटौती क्यों होनी चाहिए, कटौती के लाभ क्या क्या, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएफ जो कटता है प्रोविडेंट फंड, ये आपके अकाउंट से कटता रहेगा, कुछ पैसा आप दोगे, कुछ पैसा सरकार देगी, और एक आपका अकाउंट बन जाएगा। और जब आप रिटायर होंगे तो वो पैसा आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा प्रोविडेंट फंड का, राइट। तो इस तरीके से आपकी ये सेविंग हो रही है, पहली बात तो ये नोट कर लीजिए। इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस स्लैब के अंदर आएंगे तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपकी स्लैब होगी। बच भी सकते हैं अगर आपके जो भी स्ट्रक्चर दिखाएं आप, तो वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा किसके साथ, अपने सीए के साथ। ठीक है बात, चलो आगे देखते हैं। अब याद देखो, जो पीएफ का जो आपका आता है 10% बेसिक है, बेसिक का 10% कटेगा पीएफ। जैसे कि मान लीजिए आप 21,700 आपके बेसिक पे बन रहा है, एचआरए पे, डीए पे, अलाउंसेस पे, इस सब पे नहीं लगता है, इन सब पे नहीं लगेगा, तो 10% तो बेसिक मतलब 2170 रुपये कटता चला जाएगा, पीएफ में जमा होता चला जाएगा। ठीक, एनपीएस की बात करें तो 10% ऑफ द बेसिक प्लस डीए, यानी कि एज पर द गवर्नमेंट रूल कटेगा ये। इनकम टैक्स कटेगा कि अगर आपकी सैलरी 5,00,000 से ऊपर एक्सीड होती है, तो ये सारी कटौतियां होंगी। ठीक है बात, तो ये सारी जानकारी थी आपके सामने। और बाकी अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर क्या क्या हमें चीजें छूट गई हैं, क्या क्या आपको सवाल पूछने हैं। ये सारे सवालों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, मैं आपको खुद पर्सनली इनके जवाब दूंगा। और उसके साथ साथ ये तो हो गया आपकी गवर्नमेंट जो आपको देगी, उसके अलावा समाज क्या देगा आपको, समाज देगा आपको इज्जत, समाज देगा आपको सम्मान, और टेंशन फ्री हो जाएंगे आप, और दूसरा शादी के लिए रिश्ते आएंगे, बढ़िया बढ़िया। तो ये बत्ते अलग हो गए, जिन बत्तों को कोई काउंट नहीं करता है, तो शादी अच्छी हो जाएगी और अच्छे अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे, हो सकता है कि समाज में थोड़ा आपका रुतबा भी बन जाए, इज्जत बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस तो अलग होता ही होता है। और लेखपाल आप सिंपल मान लीजिए, आपका नाम रमेश मुकेश सुरेश है, तो इन रमेश मुकेश सुरेश से आप बन जाएंगे लेखपाल साहब बन जाएंगे, राइट। तो इन सब के लिए आप जाइए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, आखिरी 8 दिन बचे हुए हैं, और क्लास हमारी डेली चल रही है टेक्स्ट बुक यूपी पर, 3 बजे दोपहर में 3 बजे चलती है टेक्स्ट बुक यूपी पर, क्लास को ज्वाइन करें। और भगवान से हम दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्दी इसी 31 तारीख को जब आप पेपर देके लौट रहे हो, तो आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आप लेखपाल बन चुके हैं। तो मिलते रहेंगे हम लोग क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। किसी भी अपडेट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।